एक किलो नीम का पत्ता लेंगे और एक किलो और नीम के फल नहीं रहने पर एक किलो और नीम के पत्ता लेंगे। अच्छा, फल ना रहने पर डबल कर देते हैं। हाँ, डबल नीम के पत्ता कर देते हैं। ये भैया गाय का गोबर है, 250 ग्राम गाय का गोबर। अच्छा, लेंगे देसी गाय का गोबर। हाँ, देसी गाय का गोबर है। आई गौमूत्र है भैया 1 लीटर। अच्छा, देसी गाय का। हाँ, देसी गाय का मूत्र है 1 लीटर। और 10 लीटर ये पानी है भैया। अच्छा, 10 लीटर नीम के पत्ता को इस फल में ना करके कूटेंगे। अच्छा, इसे अब इसमें कूटना है। हाँ भैया, अब इसमें कूटना है ऐसे कर करके। हाँ देखिए भैया, अब तो हो गया है इसका, देखिए। अच्छा, अब हो गया। हाँ, ऐसा ही महीन होना, ऐसा महीन कर देना है। हाँ भैया, ऐसा महीन कर देना है इसको। हाँ देखिए भैया, आप सभी सामग्री को इसमें डालना है। अच्छा, सभी सामग्री को आप घोल बनाना है। घोल बनाना है। ये गोबर है भैया, नीम का पत्ता है भैया, गौमूत्र है भैया, और इसे डंडा से चलाना है भैया। अच्छा, अब इसको पूरा दम मिला देना है। मिला देना है ऐसे ऐसे कर करके भैया। अब देखिए भैया, अब ये सामान तो सब तैयार हो गया है। घोल घोल अब तैयार हो गया। हाँ भैया, अब इस घोल के इसे ढक करके रखना है भैया ऐसे करके। अच्छा, इसको अब ढक देना है। हाँ भैया, इसको ढक देना है और इसको दिन में 3 बार चलाना भैया, 48 घंटा तक के रहेगा। 48 घंटा तक छोड़ देना है। हाँ, इसको तीन बार चलाना है भैया इसको। इसको कहाँ रखेंगे? ठंडा जगह पर रखना भैया। बन गया भैया, 48 घंटा हो गया। अब हम इसको छानते हैं भैया। ठीक है दीदी, 48 घंटे के बाद अब छानिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए भैया, अभी निमास्त्र तैयार हो गया है। तैयार हो गया है। हाँ भैया, तैयार हो गया है। अब इसको हम डब्बा में रख रहे हैं भैया, डब्बा में रख लिए। इसको हम 6 महीना तक इस्तेमाल करेंगे भैया। 6 महीना तक इसको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ भैया, 6 महीना तक इस्तेमाल करेंगे।